बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? क्या हुआ है? हीरा दे दो ना काके को, दे दो। अच्छा जी, मैं फातिमा दे, हीरा दे दो ना बेटा। ये लड़ाइयाँ कर रही हैं दोनों, तो मेरा तो जुकाम हुआ हुआ बुखार, मैं अंडे बॉइल करने लगी दो बुजी के लिए, दो अब्बास के लिए और एक अपने लिए। फातिमा और खेल रही है, हीरा छोटी 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 चीज़ों पे झगड़ा करना शुरू कर देती है। अंडे बॉईल करने अब्बास कह रहे कि मुझे ना हाफ अंडा बॉईल चाहिए, साथ में फातिमा के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ। फिर मिलान पा के इधर वो ना जो अलीशा फैमिली ब्लॉग वाले, उनका मिलाद है उनके घर पे, तो उन्होंने बुलाया सबको, तो जाना है मिलाद पे। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, जुकाम हुआ है, साथ में फातिमा तो बड़ा तंग करती है, तो इसे बैठने नहीं देना। ये कहती है बस ना ले को तो मुझे बाहर ही घूमो, तो भाभी आसी और अम्मी जी जाएंगी, कह तो रहे थे मुझे भी लेके ना, मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा जी, देखते हैं फिर क्या करते हैं। भाभी ऐसे कहती है इकट्ठे चलते हैं, मैंने सुबह तो मैंने कहा था कि चलेंगे इकट्ठे चलेंगे, लेकिन ना एकदम से जुकाम साथ में बुखार। पैनाडोल की गोलियां भी खाई हैं। अंडे जी बॉयल मैंने कर लिए, फातिमा का दूध गर्म किया और अभी यहाँ पे मैं गूंदने लगी जी आटा। अंडे भाई जावेद को भी दिए, हीरा को आधा, मैंने और हिबा ने खाया, तो बस ऐसे करके ना और अभी आटा गूंदने लगी हूँ। उसके बाद जो भी सीन होगा ना वो भी इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, अम्मी चंगा भला करंट सीख दी है इस्त्री भी, ऐसे वो छोटे पंप ना ये ज्यादा करंट खींचती है। अच्छा जी, पहले तो मेरी तबीयत ठीक है, अभी भी नहीं आप देख सकते हैं, लेकिन अब जी कह रहे हैं कि नहीं हम साए तो फिर कहेंगे कि हम लोग आते हैं तो ये नहीं आती, इसीलिए ना आटा गूंद के रख लिया मैंने। मैंने कहा चले फातिमा को नहला दिया है कि बाबे की ने, तो मैंने कहा चले मैं तो कपड़े से करके उसके बाद फिर अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ, रोटी बना के तो फिर तैयारी करेंगे। जब फातिमा तंग करेगी तो अब्बास को कॉल करूँगी और ले आएंगे वापस और क्या। अम्मी कहती है अगर नहीं गए तो फिर इतराज़ बनेगा, इतराज़ का क्या, माशाल्लाह से मिलाद पाक की महफिल है, जाना चाहिए, लेकिन मुझे ना बस मैंने अभी पैनाडोल खाई है, पैनाडोल भी खाई है तो मेडिसिन खाई है, लेकिन अब वापस आके शाम को ना टीका लगवा के आऊँगी, फिर कहीं जाके सुकून मिलेगा। वाइट वाला सूट पहन के जा रही है, ये वाला गर्मी भी अभी भी हद है गर्मी की, शाम तक गर्मी कम ही नहीं होती, वरना इस साल को जो है ना वो लोग कमरों में सोना शुरू कर देते थे, मतलब रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती, लेकिन नहीं रात को अभी भी ठंड नहीं होती। पिछले तीन चार दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बस बस अभी इसको नहीं करवा के अम्मी जी के पास मैंने बिठाया, मैंने अम्मी को बोला कि आप इसको लेके बैठे, मैं कपड़े इस्त्री करके रोटियाँ बना के फिर इसकी तैयारी करती हूँ, क्योंकि इसने नीचे फट कहती है फटाफट मुझे नीचे बैठा दे, तो मैं ना अपने कपड़े गंदे कर लूँ। फिर जब देखने वाले बहन भाई है ना वो कहते हैं हाँ मैं भी जो है ना इसको साफ सुथरा रखती, मेरी कोशिश ये देखिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फातिमा को सुथरा साफ रखूँ, अच्छे कपड़े पहना के इसको सुथरा साफ रखूँ। फिर कहते हैं कि मैं कपड़े इतने लेती हूँ, दो तीन दफ़ा सूट पहना दूँ ना इसको तो वैसे के वैसे ही हो जाते।
अच्छे से कपड़े इस्तरी कर लेती, उसके बाद जो भी सीन होगा ना वो भी इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ शेयर करूँगी। ये नीला कलर पता नहीं कहाँ से लग गया, बिल्कुल ये तो प्योर वाइट था मेरा सूट है। कढ़ाई वाला मैं इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि गर्मी है, अभी गर्मी कौन सा कम हुई है। मैंने पहले तो अम्मी जी और भाभी से तो बोला था कि आप भी चले जाना, सास बहू आप दोनों चली थी। अम्मी कहती है बस थोड़ी देरी है, फातिमा जब गुस्सा करती है ना तो फर्श के ऊपर लेट जाती है, इसीलिए मुझे आई बंदा किसी के सामने डांट भी नहीं सकता। बच्ची है उसको डांटने या मारने का उसको क्या पता, तो बच्ची है वो। अब्बास के भी कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए अपने, मैंने इस्त्री करके तो ऐसे रख दिया। तो ये देखिए इसके काम, इस शरारती बच्ची ये बड़ा तंग कर रही, करो पटाइयाँ, मैंने इसकी नया करवा दी थी तो ये बड़ा तंग कर रही है, बात बात पर ये गुस्सा कर जाती है। देखिए बुरी बात, बुरी बात, बात बात पर यह गुस्सा करके ना लेट जाती है, इसीलिए मैं इसकी वजह से नहीं जा रही। फिर अब्बास को मैंने बोला कि आप चले जाए, मैं नहीं जाती। अब्बास अम्मी जी और भाभी आसी है, बच्चे जा रहे हैं, कर ले काम ही के चेक। चलो आओ, आ जाओ सही है, आया आ जाओ, सुला दू, आ जाओ मेरी जान, उठो 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 उठो। अब्बास आप पेने कपड़े थोड़े तां का वेख लिया, तां नहीं मैं जाती पई, मरिया बड़े गल्ला तो ये रोस के तो पे जाती है, मैं दसो की करा, अल्लाह जाने। ओ मारते मेरे को तुसे करो, मैं पटाया रब्बा तुसे नु रख ले घर ते मैं चली जंदी, तुसे भी मना करते हो कि मैं नहीं रखनी। हेलो हां मम्मा बाय कर, 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 बाय कर मम्मा, चली जा मम्मा, बाय कर मम्मा, चलो आजो मेरे पास, आजो आजो आजो, देवर खलोते क्यों लैके, चलो हाँ। नया फातिमा सो रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है। तो मैं अपना निगरी नूडल पानी चूल्हे के ऊपर रख के आई हूँ, घर पर कोई भी नहीं है, बस अबू जी पानी देखने गए थे, अब्बास ने पानी छोड़ा हुआ था तो मेरी तबीयत और फातिमा क्या चलाना तंग कर रही थी, तो इसलिए फिर अब्बास ने बोला कि मैं चला जाता हूँ, अबू जी आप पानी देख लीजिएगा। तो फिर वैसे तो बस में जाना नहीं थी, पानी लगा रहे थे, मेरी तबीयत थी ना, चले गए कोई ना, तो फिर घर से जाए ना, अच्छी बात नहीं है, हम से आए हैं। फिर मेरी अगर खुद की तबीयत ठीक होती ना तो मैंने खुद ही चली जाना था, मैंने कपड़े इसी करके रखे हुए थे फातिमा के भी, उसको नहला भी दिया था, लेकिन पता नहीं दो तीन दिन से गुस्सा बड़ा कर रही है, छोटी छोटी बात पे ना रोना शुरू कर देती है। पुराना वो कहते हैं ना पंजाबी में, पर रोसना शुरू कर देती है, रोना कर देती है। अभी है ये कितनी सी है, मसाला डालती है इसके अंदर। मेरी छोटी सी परी पूछ गई है और मेरी नूडल भी बन गए जी, बने अनाया फातिमा के लिए नूडल निकाले हैं, हल्के नमक मिर्च वाले। मैंने इसमें जो मसाला था ना वो कम डाला था, मैं देती हूँ ना, देती हूँ अपने बेटे को, ठंडी हो जाए ना सोना, ठंडी हो जाए मेरी जान। मैंने इसके लिए अलग डाले और अपने लिए मैंने अलग डाले, चेक कर सकते हैं आप।